जो आगे का जो प्रोसेस हो रहेगा। सर सबसे पहले हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। हम सरकार को यही बात पिछले 157 दिन से चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि कश्मीर के हालात ठीक नहीं हैं। पिछले 3 दिन पहले एक थ्रेट लेटर निकला था जिसके ऊपर उन्होंने बताया था कि हम किस किस को टारगेट करेंगे। उसमें नॉन लोकल एम्प्लाई जो हैं, पीएम पैकेज एम्प्लाई जो हैं, ये दूसरे जम्मू बेस्ड मुलाजिम जो हैं, या कोई बिजनेसमैन है, या कोई लेबरर है, उन सब के लिए टारगेट के लिए उन्होंने लिखा था उसके ऊपर हम उनको टारगेट करेंगे। और 3 दिन के बाद उसके ऊपर एक्शन हो जाता है। हम पिछले 157 डे से सरकार के आगे यही गुहार लगा रहे हैं कि वहाँ टारगेट किलिंग चल रही है, उसकी वजह से हम यहाँ प्रोटेस्ट में बैठे हुए हैं। लेकिन सरकार इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं है। वो उधर से बायोमेट्रिक अटेंडेंस और जम्पशन ऑफ ड्यूटीज़ और सैलरी रोकते हैं कि अगर हम इनकी सैलरी रोकेंगे ये मजबूरन वहाँ ड्यूटी ज्वाइन करेंगे, फिर टारगेट किलिंग का शिकार होंगे। आखिर हमें समझ नहीं आ रहा है कि सरकार डिप्लोमेटिक क्यों है हमारे साथ। अगर पूरी दुनिया को पता चल रहा है कि वहाँ टारगेट किलिंग चल रही है, तो फिर वहाँ आप हमें सिक्योरिटी नहीं दे पा रहे हैं। तो इसीलिए तो हम कहते हैं कि जब तक वहाँ नॉन मशीन नहीं होती है, हमारे होम डिस्ट्रिक्ट या जम्मू डिवीज़न में कहीं भी हमारी सर्विस ली जाए। हम डिग्निफाइड तरीके से सैलरी लेना चाहते हैं। हम पिछले 15 साल से वहाँ पर ड्यूटी कर रहे थे, हमने कभी इस तरह का प्रोटेस्ट नहीं किया। अगर हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? मेन वहाँ टारगेट किलिंग चल रही है, उससे बचने के लिए कर रहे हैं। और हमारा एक ट्रांसफ़र पॉलिसी जो है, जो इंटर डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट पॉलिसी के तहत वहाँ हम गए थे, उसके अंदर एक ट्रांसफ़र पॉलिसी प्रोविजन नहीं था। तो सरकार ने इस बात को रिकगनाइज भी किया है, LG साहब जी ने इस बात को रिकगनाइज किया है कि आपकी ट्रांसफ़र पॉलिसी होनी चाहिए, और उसके लिए कमेटी भी बनाई हुई है। और BJP एक बहुत बड़ी जो गवर्नमेंट पार्टी है इंडिया में, उन जो सरकार चला रही है डायरेक्ट इनडायरेक्ट, जहाँ उन्होंने भी उसके लिए एक कमेटी फ्रेम की है, वो काम कर रही है। तो वो अपना काम करें, लेकिन जब तक ट्रांसफ़र पॉलिसी नहीं बनती है, हमें जहाँ अपने डिस्ट्रिक्ट में डिप्लॉय किया जाए और हमारी सर्विस ली जाए और हम डिग्निफाइड तरीके से सैलरी लेना चाहते हैं।